मछली तो आपने हर तरह से बना के खाया होगा, बहुत ही तरीके होंगे आपको बनाने का, लेकिन आज मैं जो तरीका बताऊंगी वो एकदम अलग तरीका बताऊंगी मछली बनाने का। बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आपको मछली बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने लिया है मछली और मछली को हमने अच्छी तरह से धो लिया है, इसकी सारी गंदगी हमने निकाल लिया है। अब इसमें जो हम लेंगे आधे चम्मच हम हल्दी पाउडर लेंगे, आधे चम्मच लेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे हम इसके टेस्ट के अनुसार, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और लास्ट में हम लेंगे नींबू जो इसमें निचोड़ लेंगे, आधे नींबू। निचोड़ने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, मसाले में अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हमें 10 मिनट के लिए लगभग से रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसे 5 मिनट भी रख सकते हैं, 10 मिनट ज़्यादा मायने नहीं रखता, इसलिए 5 मिनट भी रख सकते हैं। तो मैं इसे कम से कम 5 मिनट तक इसे रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। फिर लूँगी मैं इसमें कुछ मसाले। तो मसालों में हमने लिया है 1 चम्मच, बड़ी चम्मच से लगभग हमने लिया है पीली सरसों, और 1 चम्मच लिया है हमने जीरा काली मिर्च, और 2 लहसुन की कली लिया है जिसे हमने छोड़ा लिया है। फिर हमने लिया है 2 टमाटर जिसे हमने चॉप कर लिया है। तो हम क्या करेंगे कि इन सारे मसालों को मिक्सर जार में डाल करके थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। मछली को फ्राई करने के लिए हम एक गर्म करेंगे पैन, और पैन में हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल के अलावा आप कोई और तेल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मछली जो बनता है वो सरसों के तेल में बहुत ही बेस्ट बनता है, किसी और तेल में बनाने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो तेल से हम लगभग इतना डालेंगे कि इसमें मेरा मछली फ्राई हो सके, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। तो तेल को ना चारों तरफ फैला लेंगे इस तरह से करके, और तेल को थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। तेल मेरा लगभग गर्म हो चुका है, तो इसमें हम मछली को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। एक एक करके सारे जो भी जितना भी इसमें ऐड हो सके उतना ही मछली इसमें डालेंगे मछली के पीछे। तो लगभग इतना मछली मुझे पैन में आया तो हम इसमें ही डाल करके इसे हम फ्राई करेंगे। तो हम ऐड कर लेंगे तेल को चारों तरफ से फैलाएंगे। थोड़ी देर इसे हम फ्राई होने देते हैं। बीच बीच में ना अपने पैन को एक चंटी को उठा करके बीच बीच में ऐसे इस तरह से करके घुमाते हुए ताकि मछली ना नीचे से फटे नहीं, तो इस तरह से अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो मेरा मछली बिल्कुल भी नहीं फटा और ये फ्राई भी बहुत अच्छा से हो रहा है। तो हमें देखना है कि एक मछली एक साइड मेरा फ्राई हो चुका है या नहीं। तो हम मतलब को देखो कैसे तो फ्राई हो चुका है, क्योंकि मछली को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करते क्योंकि इसमें ना पेट के अंदर नहीं जाता है, इसलिए फ्राई ना मीडियम तरह से ही करें। तो एक साइड मेरा लगभग फ्राई हो चुका है, कैसे हम प्लट को कितने साफ कर देंगे और दूसरी साइड भी हम इतना ही फ्राई करेंगे। तो बहुत ही बारीकी से इसे पलटना है, ध्यान रखें इसे ज़्यादा जोर इसे नहीं देना है, क्योंकि ये पीछे से हमारी छूट जाएगी, इसलिए हमें ध्यान से इसे पलटना है।
बहुत ही हल्के हल्के तरीके। दूसरी साइड भी हम इतना ही पकाएंगे जितना कि एक साइड हमने पकाया है, फ्राई किया है, और इसे हम किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो फिर आने के बाद हम ट्रांसफर कर लेंगे। मछली मेरा फ्राई हो चुका है तो इसे हम बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। बड़े आराम आराम से इसे दूसरे में ट्रांसफर कर लेंगे। पीस को टूटने का डर रहता है इसलिए हम बहुत ही आराम से इसे रखेंगे। तो बचे हुए को भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी, जो मेरा बचा है इस तरह से ही फ्राई कर लूँगी। एक पैन में हम तेल गर्म करेंगे, तेल अपने हिसाब से ही लेंगे। अब जितना तेल खाती हैं कम ज़्यादा ये अपने हिसाब से रख लें। फिर हम लेंगे आधी चम्मच पाँच फोरन, जो मछली के लिए बहुत ही मस्त है। मछली इसमें पकाने से इसकी टेस्ट इतनी अच्छी आती है, ये बहुत ही मस्त है, इसे डालना बिल्कुल भी ना भूले। तो ये लगभग लाल हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे पीसी हुई मसाले को। ऐसे हम डाल करके मसाले को डालेंगे, फिर हम सारे मसाले को डालेंगे। पीसी हुई मसाले डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर लगभग एक चम्मच। हल्दी पाउडर आधा चम्मच ही डालेंगे। एक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। नमक हम टेस्ट के अनुसार डालेंगे, क्योंकि पहले भी हम डाल चुके हैं तो इसलिए हम थोड़ा नमक फिलहाल डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मसाले को हम लगभग 4 से 5 मिनट तक इसे हम फ्राई करेंगे, पकाएंगे। तो मसाला हमने 3 से 4 मिनट लगभग 4 से 5 मिनट तक भुना है और एक मसाला मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अच्छी तरह से ये भून चुका है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। पानी हम लगभग अपने हिसाब से ही डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। छोटे गिलास से 1 गिलास, बड़े गिलास से लगभग 1 गिलास, 1 गिलास से थोड़ा हम कम डालेंगे। डालने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, हम अपनी फ्राई की हुई मछली को डाल देंगे। सारे मछली डाल करके हमें चलाना बिल्कुल भी नहीं है, इसे थोड़ा सा इसे इस तरह से हिला देना है, चलाने से मछली टूट जाएगी, इसलिए इसे सिर्फ हिला करके इसे रख देना है। और थोड़ी देर इसे ढक करके कम आँच पे रख देना, सॉरी तेज आँच पे रख देना है। जब ये थोड़ा खोल आ जाए तो 2-3 मिनट तक इसे कम आँच पर भी रख देना है, ताकि ये अंदर तक मछली के अंदर ग्रेवी जा सके। थोड़ा खोल आने के बाद हम डाल दें इसमें कस्तूरी मेथी। डाल करके चारों तरफ फैला देना। फिर इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तो देखिए फाइनली मेरी मछली बन करके रेडी हो चुकी है। 4 से 5 मिनट तक लगभग इसे हमने पकाया है कम और लो एंड हाई फ्लेम पे। तो इस तरह से मछली बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे हम चम्मच से हल्के हल्के हाथों से ही चलाएंगे, इसे ज़्यादा चम्मच अंदर तक नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये इसके पीसेज में टूट जाती है, इसलिए
हम इस तरह से ही आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए इसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी तरह से तेल भी छोड़ा है और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी से चिटी हो चुकी है। देखिए मछली का सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब भी अभी मछली पकाए तो इसमें नमक मिर्च का ज़्यादा ध्यान रखें, खास ध्यान इसे नमक मिर्च का ही डालना है, क्योंकि नमक मिर्च से ही हमारी जो मछली जो बनती है नमक और मिर्च के टेस्ट से ही आती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि नमक मिर्च इसकी थोड़ा हल्का तेज़ रहे, इतना भी तेज़ नहीं कि ये ख़राब लगे, टेस्ट ही ना आए, तो इसका खास ध्यान रखें। तो फिर लास्ट में हम बनने के बाद लास्ट में हम डाल देंगे हरी धनिया, इसे गार्निश कर लेंगे। चलिए फाइनली मेरी अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आइए तो इसे मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। सर्व करने के लिए लेंगे हम एक प्लेट और उसमें बड़े हल्के हाथों से ही हम अपनी फेस को निकालेंगे और अपने प्लेट में डालेंगे। देखिए बहुत ही टेस्टी बन करके मेरी मछली रेडी हुई है। उसे मैं ग्रेवी डाल देती हूँ जिससे और भी खिला खिला गया। ट्राई अब भी ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि मैंने किस तरह से अपनी मछली को बनाया है। बहुत ही अलग तरीके से हमने मछली बनाना सिखाया है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इसके लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।